क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास टेंथ के बायोलॉजी चैप्टर में, वो भी हम लोग आ चुके हैं रेस्पिरेशन पे। न्यूट्रिशन पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं, बेसिकली न्यूट्रिशन क्या होता है प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, जिसका भी अभी तक वो रह गया वो आई बटन को क्लिक करो और फटाफट से देख कर आइए। तो अभी हम लोग बात करने वाला रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जिसने भी अभी तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से कर दीजिए, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो अभी क्या आया हमारे पास, जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन नाम से ही हमारे को, जब भी हम लोग रेस्पिरेशन की बात करते हैं हम लोग दिमाग में ले आते हैं, अच्छा ऑक्सीजन अंदर लेकर जानी, CO2 बाहर निकालनी, ये जो है वो रेस्पिरेशन सबसे पहली बात नहीं है। ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट है बट ये रेस्पिरेशन नहीं है। तो बात आई रेस्पिरेशन है क्या। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, हमारी जो सेल है, द प्रोसेस इन विच जो हमारी बॉडी के अंदर सेल होती है वो क्या करती है, फूड और ऑक्सीजन को ले लेती है। ठीक है, सेल क्या करती है, फूड और ऑक्सीजन को ले लेती है। ये जो है सेल अब एक्टिविटीज करती है, केमिकल सिक्रीट्स करती है, और ये सेल क्या करती है, CO2 एनर्जी एंड वाटर, ये तीन चीजें जो है वो एक्सक्लूड मतलब हमारे पास निकालती है। ठीक है, CO2 एनर्जी एंड वाटर, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, रेस्पिरेशन। द प्रोसेस इन विच वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड, हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करें किससे, फ्रॉम द फूड। जनरल अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में हम लोग ये लिख सकते हैं, इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है इन विच वी गेट द फूड, जिसमें हम लोग क्या ले ले, इन विच वी गेट फूड एंड द ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों चीजें लिख सकते हैं, इन विच वी गेट फूड एंड ऑक्सीजन, फूड भी ले ले और ऑक्सीजन भी ले ले। द प्रोसेस इन विच वी गेट फूड एंड वी टेक, लिख दो, या फिर वी गेट CO2 एनर्जी एंड वाटर, पहले ये लाइन लिख दीजिए, द प्रोसेस इन विच वी गेट CO2 एनर्जी एंड वाटर फ्रॉम, कहां से ले हम लोग, फ्रॉम फूड एंड ऑक्सीजन। फूड और ऑक्सीजन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते किसके अंदर, CO2 एनर्जी और वाटर के अंदर। तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। मेन बात, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें आपकी एनर्जी आपको मिलती है। ठीक है, अब हर चीज के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। हम बैठे हैं, उठे हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ भी जो कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी जो है वो हमें कहां से मिल रही है, वो एनर्जी हमें मिल रही है रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन क्या करता है, टेक इन करता है ऑक्सीजन को, टेक इन करता है फूड को, और कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, CO2 के अंदर, एनर्जी के अंदर और वाटर के अंदर। अब बताया भाई, ऐसे बहुत ज्यादा एसेंशियल चीज होती है हमारे पास रेस्पिरेशन। अब जो हम लोग कह रहे थे कि हम लोग ब्रीथिंग के साथ इसको कंपेयर कर देते हैं, तो सबसे पहला एक डिफरेंस आता है कि डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के बीच में डिफरेंस बताइए। तो हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीथिंग में हमारे पास सिर्फ एक ही काम होता है, O2 का इंटेक कर रहे हैं हम लोग, O2 मतलब O2 ऑब्टेन कर रहे हैं और CO2 को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, O2 को ले रहे हैं, टेक इन कर रहे हैं और हमारी CO2 को रिलीज कर रहे हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, है ना, रामदेव आपको करके दिखाता है ऐसे सांस अंदर लिया, तो मतलब ब्रीथ इन कर लिया हमने, मतलब O2 हमने ले ली, जब छोड़ दिया मतलब हमने CO2 निकाल दी। तो यही प्रोसेस होता ब्रीथिंग के अंदर तो बस, बट हमारे रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ब्रीथिंग तो होती ही होती है। ठीक है, एज वेल एज ऑक्सीडेशन भी होती है, एक प्रोसेस का नाम है ये जो हम हमारे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विद फूड। तो अभी हमने पढ़ा ही था ये ऑक्सीजन को ऐड करता है, तो रेस्पिरेशन हमारे पास क्या है, ब्रीथिंग है प्लस में हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी है। ठीक है, दोनों काम करता है हमारे पास ये
ब्रीथिंग और ओ2 को ऐड करता है फूड के अंदर, ओ2 एंड फूड इन द सेल। ये काम हमारे पास किसके अंदर होता है, रेस्पिरेशन में होता है। अब अगली बात आती है, जो ब्रीथिंग है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, आपके रिब्स आपकी डायफ्राम मूव कर रहे हैं, आप मूव कर रहे हो, मतलब ये सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें केमिकली कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बात आई हमारे पास रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को तो कहा ही जाता है, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर रेस्पिरेशन में जब सेल के अंदर जाता है हमारे पास ऑटो और फूड, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है, केमिकल के साथ मिक्स करता है, और मिक्स करने के बाद उसको एनर्जी में चेंज कर देता है। तो इसका मतलब इट इज अ बायोकेमिकल। केमिकल का मतलब, रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कोई दो चीजें हम लोग ले उनको मिक्सअप कर दे, दो से ज्यादा कोई भी चीजें आपस में मिक्सअप कर दे और एक नया सब्सटेंस हमें मिल जाए, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, बायोकेमिकल, ठीक है। तो दो प्रोसेसेस के नाम पढ़े हमने, पहली प्रोसेस का नाम था ब्रीथिंग, दूसरी प्रोसेस का नाम था हमारे पास रेस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि जो हमारी रेस्पिरेशन है वो हमारे पास क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसके बाद अगली चीज आ जाती है हमारे पास, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो हम पढ़ रहे हैं हमारी पूरी प्रोसेस, इसके भी क्या होते हैं, टाइप्स हो जाते हैं, ठीक है भाई। पहली बात तो रेस्पिरेशन ही समझी हमने, दूसरी बात हमने क्या समझ रहे हैं कि इसकी टाइप्स क्या होते हैं। तो रेस्पिरेशन के बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक का नाम होता है एरोबिक, एरोबिक्स करते नाम सुना है ना सबने। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में पहली टाइप तो इजी सी आ गई, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरे का नाम हमारे पास क्या हो जाता है, एनारोबिक, है ना। ऐसे सेम से कहीं पे नाम होते हैं ना, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर एरोबिक्स, हम लोग कहते हैं ना जो मोटे हो जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, एरोबिक्स करो, योगा करो, डांस करो, फिटनेस पे ध्यान दो। तो एरोबिक्स का मतलब वहां पे क्या होता है कि विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक का बेसिकली मतलब क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक मतलब विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो एनारोबिक का मतलब क्या होगा फिर, एनारोबिक का मतलब होगा विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक में ऑक्सीजन की हेल्प लेंगे, एनारोबिक में ऑक्सीजन की हेल्प नहीं लेंगे। एरोबिक में हम लोग ऑक्सीजन की हेल्प लेंगे और एनारोबिक को कहेंगे तुझे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। अब एक्चुअल में होता क्या है इसके अंदर, हमने वो चीजें सीखनी है। एरोबिक रेस्पिरेशन पहली बात पता चल गई, जो हमारे पास ऑक्सीजन की हेल्प से होती है। एरोबिक का मतलब आप लोग नोट डाउन कर लो, एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन, ठीक है। फिर बात आती है एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो क्या बनेगा, किस तरह से बनेगा। तो जो भी हमारे ह्यूमन बीइंग है, हम लोग है, डॉग है, कैट है, रैट है, मतलब जो एनिमल हम लोगों को विजिबल होते हैं, जो नॉर्मली हमारे आसपास ही रहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उन सब के अंदर कौन सी रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन। आपसे पूछा जाएगा, गिव एग्जांपल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, उन ऑर्गेनिज्म के नाम बताइए जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो पहला नाम आ गया ह्यूमन बीइंग, फिर आएगा आपके पास डॉग, कैट, रैट, माउस, जो भी हमारे पास बेसिकली आपको याद हो, वो सब किसके अंदर आते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है, सबसे पहले हमारा जो फूड है, फूड हमारे पास किसमें चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में, ठीक है। न्यूट्रिशन में फूड हमारे पास किसमें चेंज हो जाता है, सिंपलेस्ट पार्ट में, और सिंपलेस्ट पार्ट में हम सबसे पहली बात किसको ले रहे हैं, ग्लूकोज को। अब ये जो ग्लूकोज है वो क्या करता है, एक प्रोसेस करता है जिसका नाम होता है ग्लाइकोलिसिस। प्रोसेस का नाम क्या है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, नाम इसको नोट डाउन कर लेना। प्रोसेस का नाम क्या है हमारे पास, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस हमारे पास प्रोसेस होती है, ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस क्या करती है, ये कहती है कि ग्लूकोज को मैं और सिंपल पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, और जो और सिंपल पार्ट है उसको बोला जाता है पाइरूवेट। क्या बोला जा रहा है उसको,
पेरियोवेट। ठीक है, ये नाम आपके पास नहीं है तो इनको याद करने का सिंपल सा एग्जांपल है, अपनी मम्मी का, अपनी बहन का, किसी का भी नाम रख दो पेरियोवेट। ठीक है, अपने फोन का नाम रख दो, अपने फोन में किसी का भी नाम चेंज करके पेरियोवेट रख दो, ग्लाइकोलिसिस रख दो, जिससे आपको याद हो जाएगा कि ये जो है वो कौन है। पायरूवेट कैसे बना? ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हुई, ग्लाइकोलिसिस ने उसको और सिंपल पार्ट में डिवाइड कर दिया और वो हमारे पास क्या बन गया? पायरूवेट बन गया। अब क्या हुआ इसके बाद हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहां पे ऑक्सीजन स्टोर होती है। तो ये जो ऑक्सीजन है इसको चेंज कर देती है CO2 में, वाटर में, प्लस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? ATP की फॉर्म में। ATP का मतलब है एडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP मतलब क्या है? एडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी की एक फॉर्म होती है। तो 38 मॉलिक्यूल्स एनर्जी के निकलेंगे, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत सारी एनर्जी आपकी क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब हुआ विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। फिर हमने बतानी होती है उस प्रोसेस के बारे में। तो प्रोसेस क्या होती है? ग्लूकोज लेते हैं, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस करते हैं, पायरूवेट बन जाता है। ये काम तो हम एनारोबिक में भी करते हैं और एरोबिक में भी करते हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर जाते ही अपने आप से हो जाता है। अब बात किसकी आई? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हेल्प से ये किसमें चेंज हो रहा है? CO2 वाटर प्लस 38 ATP, मतलब एक लार्ज अमाउंट की एनर्जी जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में आपके पास निकलती है। याद रखना है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास लार्ज अमाउंट की एनर्जी जो है वो निकलती है। फिर बात आती है एनारोबिक में क्या होता है। तो एनारोबिक में हम लोग क्या कहेंगे? बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। होता क्या है? सेम प्रोसेस होती है, हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारे पास सबसे पहले चेंज होगा ग्लाइकोलिसिस से, ग्लाइकोलिसिस से हमारे पास क्या बन जाता है? पायरूवेट। पायरूवेट से क्या हो जाएगा? अब विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अब नहीं होगी। जब ऑक्सीजन नहीं होती है तो इसको बोला जाता है यीस्ट फर्मेंटेशन। क्या बोल देते हैं इस प्रोसेस का नाम? यीस्ट फर्मेंटेशन। यीस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन सब के अंदर क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको नाम दे दिया यीस्ट फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है? CO2 तो इसमें भी निकलती है, पर इसमें वाटर ना निकलकर इसमें निकलता है एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का भी एक नाम है हमारे पास इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल को लिखते कैसे है? C2H5OH। कैसे लिखते है? C2H5OH प्लस में इसमें क्या निकलती है? 2 ATP। इतनी स्मॉल अमाउंट की ATP एनर्जी हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन में निकलती है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत कम निकलती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक में कई बार डिफरेंस आता है, तो पहला डिफरेंस यही होता है कि एरोबिक में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, जबकि एनारोबिक में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। फिर क्या आता है एरोबिक में हमारे पास? क्या आता है? CO2 वाटर प्लस में 38 ATP, जबकि एनारोबिक में हमारे पास कहानी कुछ और हो जाती है। CO2 वही रहता है बट वहां पे इथेनॉल आ जाता है, मतलब एल्कोहल आ जाता है, प्लस में हमारे पास क्या आ जाता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ 2 ATP। तो ये जस्ट हमने क्या पढ़ा भाई, रेस्पिरेशन है क्या चीज और रेस्पिरेशन की टाइप क्या है। रेस्पिरेशन बेसिकली हमारे पास यही होता है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास क्या कर रहे हैं हम लोग? ऑक्सीजन और फूड को इनटेक कर रहे हैं और एनर्जी उससे बाहर निकल रही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन की फर्दर बातें कि रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर किस तरह से होता है। उसको देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास पहले से ही नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वीडियो आपके पास आ गई है एंड जस्ट यू हैव टू वॉच इट। ओके, थैंक यू।